एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के बकाया टैक्स पर सुनवाई होगी। कांग्रेस को इनकम टैक्स की तरफ से दिए गए बकाया वसूली नोटिस मामले में बड़ी सुनवाई होगी। इनकम टैक्स ने 3,567 करोड़ के टैक्स की डिमांड की है। बता दें, चुनाव की वजह से ये सुनवाई टल गई थी। 1 अप्रैल को आखिरी बार इस मामले पर सुनवाई हुई। बता दें, इनकम टैक्स ने इससे पहले मार्च में 1745 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा था। नोटिस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही 135 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। बता दें, 30 सालों में इकट्ठा हुए 3,567 करोड़ के डिमांड नोटिस है ये, जिसमें 2014 से 15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015 से 16 के लिए 664 करोड़ रुपए, 2016 से 17 के लिए 417 करोड़ रुपए और 1994 से 95 और 2017 से 18 के लिए 1823 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस इनकम टैक्स ने जारी किए हैं।